हेलो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपके पास जो भी डाउट है और ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। और इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत स्थित है, आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। दूसरा क्वेश्चन, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल, आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, आंसर है 2.42%, 2.42%। भारत की राजधानी, आंसर है नई दिल्ली, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग ने बनाया। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, आंसर हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति भारत की, आंसर है गोंड़, मध्य प्रदेश। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, इसका आंसर है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान 2रा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, आंसर है 17.5%। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार भारत का, आंसर है 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पूरब से पश्चिम में विस्तार, आंसर है 2,933 किलोमीटर। भारत की सबसे पूर्व बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पश्चिमी बिंदु, आंसर है सर क्रिक, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे उत्तरी बिंदु, आंसर इंदिरा कौल, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये स्थित है निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, आंसर है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों की कुल संख्या भारत में, इसका आंसर है 247, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या, इसका आंसर है 36। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई, इसका आंसर है 7,516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, आंसर 6,100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय, आंसर है 82.12° पूर्वीय देशांतर रेखा, जो स्थित है इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.12°
या इसे कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है। आंसर 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत के में राज्यों की कुल संख्या आंसर है 29। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य आंसर है उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों से घिरा है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या आंसर 10। भारत की प्रादेशिक जल सीमा आंसर है 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा आंसर कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आंसर है इसका गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है आंसर मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है आंसर है इसका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा होती है आंसर है लेह कश्मीर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है इसका आंसर है अरावली, जो राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीनतम पर्वत जो भारत में है इसका आंसर है हिमालय, जो बलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा है। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत इसका आंसर है 1872, जो कि ब्रिटेन द्वारा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत आंसर है 1881, जो लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुआ। इसके नेक्स्ट बाद में भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। जनगणना का महाविभाजक वर्ष इसका आंसर है 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। उसी तरह जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है इसका आंसर है 1951। जनगणना की अवधि आंसर प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। जनगणना का अध्ययन को डेंस कहा जाता है। इसका आंसर है डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं रही। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था आंसर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, कुल प्रश्न 29। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का प्रथम जनगणना का कमिश्नर डब्ल्यू प्लानेड थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी, जो 1949 से 1953 तक थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त क
कौन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।